हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शेयर सपोर्ट पर। मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आप सब यूट्यूब में वीडियोस तो बनाते हैं, लेकिन उसको अपलोड कैसे करें, अपलोड करने का मतलब सही तरीका क्या है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता। ये आज हम सीखेंगे। इसके लिए पहले हमको यूट्यूब के ऐप को ओपन कर देना है। इसके बाद नीचे देखिए प्लस का ऑप्शन है, उस प्लस पर क्लिक कर देना है। आप अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देना है। अब आपका मोबाइल में जितना वीडियो है ये सब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए कोई भी वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और हमको अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ देखिए नीचे लिखा है विजिबिलिटी पब्लिक है, ये इसको हमको अनलिस्टेड कर देना है। अनलिस्टेड करने से क्या होगा कि आप जब ये वीडियो अपलोड कर देंगे तो ये पब्लिकली शो नहीं करेगा, लेकिन आप इसका लिंक अगर किसी को भेजेंगे तो बस वो सिर्फ इसको देख पाएगा। अब हमको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, कुछ टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालना है। अब बस अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमको बैक कर देना है और YT स्टूडियो ऐप पे चले जाना है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। YT स्टूडियो ऐप हम ओपन कर देते हैं। अब यहाँ नीचे देखिए कंटेंट है, कंटेंट पे जाएंगे। जाने से जो वीडियो अभी हम अपलोड किए थे वो वीडियो इधर सबसे ऊपर आ जाएगा। आज का डेट 3 जुलाई है तो 3 जुलाई लिख के ये आ जाएगा, क्योंकि हमने कोई इसका टाइटल नहीं दिया था तो ये बस उस दिन का डेट अपलोड, जब आप जिस दिन आप अपलोड कर रहे हैं उस डेट इधर आ जाता है। इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, एडिट वीडियो पे चले जाना है। अब यहाँ दोस्तों हमको एक टाइटल देना है, टाइटल चलिए देते हैं ट्रांसफर डाटा फ्रॉम मोबाइल टू कंप्यूटर, ये वो वीडियो इसके बारे में है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन पे आएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी अच्छी तरह कुछ देना है, कुछ भी नहीं यहाँ लिखना है, उस वीडियो के बारे में ही डिस्क्राइब करना है। ये मैं छोड़ देता हूँ, आप यहाँ कुछ भी डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से लिख देंगे। इसके बाद हमको बैक करना है। अब दोस्तों यहाँ ऑडियंस है, ये अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यस इट्स मेड फॉर किड लिखेंगे, अगर ये बच्चों के लिए नहीं है सबके लिए है तो ये नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स में रहने देंगे और इसको बैक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे देखे लिखा है मोर ऑप्शंस, इस पर क्लिक करना है। एड टैक्स लिखा है, इस पर क्लिक करना है और आपको उस वीडियो के रिलेटेड कुछ टैग डालना है ताकि जब जो लोग सर्च करें तो आपकी वीडियो उनका स्क्रीन पर आ सके। ये एड टैक्स बहुत ज़रूरी है। चलिए वो वीडियो के बारे में कुछ भी लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट डाटा मोबाइल टू पीसी। इसके बाद कॉमा दे देंगे तो ये देखिए ऊपर टैग हो गया मोबाइल टू कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर, फिर एक कॉमा दे देंगे। ये देखिए मैं अभी 2 टैग डाला, आप और भी टैग डाल सकते हैं। इसके नीचे देखिए लिखा है कैटेगरी है, ये आपका वीडियो जिस बारे में है इस सबका कैटेगरी है, वो वीडियो उस कैटेगरी का आप चूज कीजिए। मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट है तो मैं यही रख दिया हूँ। कैटेगरी चेंज नहीं होता, अब जो एक बार डाल दे वही रहता है, अब बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ दूसरा वीडियो है तो उसका कैटेगरी आप दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बैक पे क्लिक करना है। अब यहाँ जो पेन आइकन है, पेन आइकन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों लिखा है कस्टम थंबनेल, इस पर क्लिक करना है और उसका थंबनेल जो आप बनाए होंगे, ये देखिए मैं बनाया था, इसको मैं डाल दिया। और अभी हमको डाउन कर देना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों विजिबिलिटी पेंडिंग है, इस पर सिलेक्ट करना है और पब्लिक पे क्लिक कर देना है, बैक कर देना है। अब हम मैं जब इसको सेव कर दूंगा तो ये वीडियो मेरा अपलोड हो जाएगा और पब्लिकली शो करने लगेगा। ये देखिए मैं सेव कर दिया, अब दोस्तों मेरा वीडियो अपलोड हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों देखिए वीडियो यहाँ आ गया। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर वीडियो को सही तरीके से अपलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।